हम बनाने वाले हैं न्यू ईयर के लिए बहुत बड़ा वाला केक, उसको बेक करेंगे पतीले में, आसानी के साथ बनाएंगे घर में। तो चले फिर जल्दी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपको ये रेसिपी थोड़ी लेट मिल जाएगी क्योंकि आज जो है 31 दिसंबर है और आज मैं ये केक बना रही हूँ न्यू ईयर का बड़ा वाला केक। चलो फिर जल्दी जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। है 10 अंडे, इनका बनेगा यहाँ पे केक। तो हम इनकी सफेदी अलग करेंगे और जर्दियाँ अलग करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट कर देते हैं। एग योक अलग हो चुके हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले एग वाइट को करना है बीट और इसको कर लेना है बिल्कुल फ्लफी स्नो। यहाँ पे देखें दिसंबर की स्नो रेडी हो चुकी है, एग वाइट बिल्कुल फ्लफी फोम हो गया है। यहाँ पर ये देखें हुक को चेक करें, जो चीज हुक पर ही है और बाकी चीजें जो है वो नीचे है, मतलब कि बहुत अच्छा फोम हो गया। अब यहाँ पे जो एग योक था, मतलब कि इसकी जो जर्दियाँ हैं उसको ऐड कर दूंगी मैं, और सिर्फ इसको बस सिर्फ 1 मिनट 1 मिनट जो है बस इसको यहाँ पे बीट करना है ताकि तमाम चीजें जो है ना मिक्स हो जाए, फिर आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे मैं केक बना रही हूँ 10 अंडों का, तो मैंने ये वाली कप की मेजरमेंट से मैंने ली है 2 प्यारी चीनी, मतलब कि मैं ग्राम्स में आपको बताऊँ तो ये शुगर जो यहाँ पे बनती है 400 ग्राम्स शुगर लिए, 400 ग्राम शुगर लिए, क्योंकि आधी प्यारी शुगर जो है वो 100 ग्राम बनता है। तो अभी ये शुगर को जो है मैं इसमें कर देती हूँ ऐड। ज़्यादा हो चुकी है, अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 2 प्यारी कुकिंग ऑयल। इसी कप की मेजरमेंट से मैं बताती हूँ, तो अगर आप इसी कप की मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा। चलिए जी, हमने जो है इसमें ऐड कर दिया 2 प्यारी कुकिंग ऑयल, ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम इसमें खूबसूरत, मतलब मज़ेदार सी खुशबू के लिए इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस, जो कि मैं इसमें 2 टीस्पून ऐड करूंगी क्योंकि केक की क्वांटिटी ज़्यादा है, इस लिहाज से इसमें 2 टीस्पून यहाँ पे होगा ऐड वनीला एसेंस। चलेगी, ये हो गया ऐड, और अब इसको अगेन बीट करना है। हो चुकी है, मतलब कितनी भर गया बिल्कुल ना, तो अब यहाँ पे बस हो चुका है, बीटर को किया ऑफ, और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 प्यारी मैदा। 4 प्यारी मैदा होता है 400 ग्राम, 1 प्यारी मैदा 100 ग्राम का होता है, तो यहाँ पे मैंने लिया है 4 प्यारी मैदा, 2 प्यारी चीनी, 4 प्यारी मैदा, 10 अंडे, 2 प्यारी कुकिंग ऑयल। इससे बनेगा मज़ेदार सा हमारा केक। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे 2 चाय का चम्मच भर भर के बेकिंग पाउडर। ये देखें भर भर के मैंने ऐड किया, मतलब कि इस तरीके से ना मैंने यहाँ पे इसकी पहाड़ी बनाई है लाइक दिस। तो ऐड करूँगी इसमें, बैटर बहुत ज़्यादा है तो हम बड़ा सा केक बना रहे हैं तो हम थोड़ा सा प्रोसेस को ना उल्टा कर देते हैं। तो अभी जो है कि बैटर को ना मैं इसमें ऐड करते जाऊँगी और इसको क्लॉकिंग स्टाइल में फोल्डिंग करेंगे। चलेंगे, इसमें जो है हमने इतना बैटर जो है फिलहाल अभी ऐड किया है, फिर देखते हैं, इसको पहले मिक्स करते जाएंगे और फिर करते जाएंगे। एक बड़ा सा मैंने बॉल ले लिया जो बड़े सरफेस का है, और उसमें जो है डाल के इसको जैसे ऐसे ऐड करते जाएंगे ना थोड़ी देर में इसकी एयर निकलती जाएगी तो ये बैठता जाएगा, इसी तरह से इसको मिक्स करते जाती हूँ। अभी यहाँ पे ये बैटर जो है मैंने इसका 1/4 पार्ट जो है इस बॉल में ले लिया, ये देखें बड़े से बड़ा होते हुए बड़ी सी देगची तक हम आ पहुँचे, और इसमें जो है मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे तकरीबन 2 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच के करीब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोको पाउडर इसमें मैंने ऐड कर दिया, मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे ये मोल्ड मैंने ले लिया, इसको मैंने ग्रीस वगैरह करके रख लिया था, अब इसमें जो है केक का बैटर जो है वो मैं ऐड करने लगी हूँ इस तरीके से। अब जो ऐड किया अब इसको रोकते हैं, यहाँ पे चॉकलेट का बैटर ऐड करके रखा है उसको जो है इस तरीके से इसमें ऐड कर देते हैं, और बस इसको इस तरीके से बस करते रहे, बस इसी तरीके से हमारा एक अच्छा सा चॉकलेट का जो है वो डिज़ाइन भी इसमें बड़ा अच्छा सा परफेक्ट सा आ जाना है इसमें। ऐसे ही अब मैं और ऐड करूंगी इसमें, ये वाला मैं सारा इसमें दूंगी। अब
जो ये फाइनल चॉकलेट का जो बैटर रखा हुआ था इसको बस ऊपर से इस तरीके से इसको कर देते हैं, फिर इसको हम सेटल करते हैं और इसको डिज़ाइन कर देते हैं और अब इसको बेक करने रखेंगे। देखिए मैंने केक को ओवन में रख दिया है, पतीले में रख दिया है प्री हीट होने, और इसको मैं कवर करके करती हूँ प्री हीट। बन चुका है, अभी हम इसको जो है डिश से निकालते हैं। चलिए देखिए कितना प्यारा सा मार्बल का हमारे केक का शेप आया, अब हम इसको डिश से निकालते हैं। मार्बल बड़े वाले केक की रेसिपी पसंद आए लाइक करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए, मसारा व्लॉग्स में ही तो पता चलेगा ये केक बना क्यों, न्यू ईयर में हुआ क्या है। आ गया केक, केक आ गया।